नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे YouTube का चैनल का नाम पहले द क्रिकेट शो हुआ करता था, लेकिन YouTube की कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमें अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ा है। तो अब से हमारे चैनल का नाम द क्रिक बुल होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे दिन के खेल के बारे में। पहले दिन का खेल बारिश से धुल जाने के कारण आज दूसरे दिन टॉस हुआ। टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने जीता, और जैसा कि दोनों ही कप्तानों का कहना था कि हम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेंगे, तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत की और टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। पहला विकेट 20.1 ओवर में 62 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में गिरा। उन्होंने कुल 34 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके लगाए। रोहित शर्मा का विकेट जेमिसन ने लिया और स्लिप में साउदी ने एक शानदार कैच पकड़ा। दूसरे विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने उतरे चेतेश्वर पुजारा को आए हुए ज़्यादा देर नहीं बीती थी कि शुभमन गिल भी अपना विकेट गंवा बैठे। 24.2 ओवर की गेंद थी और वैगनर ने उनको कीपर के हाथों कैच कराकर वापस पवेलियन भेजा। शुभमन गिल, जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, उन्होंने कुल 28 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए। वॉटलिंग ने उनका एक अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने साथ मिलकर बल्लेबाजी स्टार्ट की, लेकिन पुजारा भी अधिक देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और ट्रेंट बोल्ट की एक अंदर आती हुई गेंद को नहीं समझ सके और LBW आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे रहाणे और कोहली ने संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। आज खेल के दौरान खराब रोशनी ने भी काफ़ी खलल डाला, जिससे कई बार खेल रुका और अंततः खराब रोशनी के कारण अंपायरों ने आज के दिन का खेल यहीं पर रोकने का फैसला किया। जब खेल रोका गया, उस समय 64.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर 146 रन था। कोहली 44 रन के निजी स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे और रहाणे 29 रन बनाकर खेल रहे थे। अब कल तीसरे दिन का खेल खेला जाएगा। देखना है कि कल बारिश और खराब रोशनी की वजह से कितना खेल हो पाता है। कोहली और रहाणे को अब बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि इस विकेट पर कम से कम 350 रन का स्कोर पहली पारी में तो बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब कल क्या होता है, इसकी आगे की अपडेट के साथ हम कल हाजिर होंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल का नाम चूँकि चेंज हुआ है द क्रिक बुल, तो 2 से 3 दिन में हमारे चैनल को YouTube से रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, जिसके बाद हमारा चैनल YouTube की सर्च लिस्ट में आने लगेगा। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्रिक बुल।